गाइस, आपका भाई फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके पास आया है। एजे मोबाइल शॉप, सेकेंड हैंड मोबाइल होलसेलर और मोबाइल के हर डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप हमें इन सब जगह पर फॉलो कर सकते हैं, एजे मोबाइल शॉप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक और भी बहुत सारी सोशल मीडिया पर हम आपको मिलेंगे। यह है हमारा ओप्पो R17 मॉडल, एक लोन है मार्केट में बिकता है ये, और इसको अपन देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर है और क्या कुछ है और क्या नहीं है और लेना चाहिए या नहीं। और इसी तरह आप बने रहिए, मैं आपको पूरी बताता हूँ आपको इसकी डिटेल। स्टोरेज की बात करें अपन तो 128 GB स्टोरेज है इसकी, और ये 2.44 GB इन्होंने यूज़ कर चुके हैं इसके अंदर। बाकी हालांकि इसके अंदर कुछ है नहीं इतना, फिर भी इन्होंने ले चुके हैं। अब इसकी एक्चुअल अपन बात करें इंटरनल की, तो ये 1.57 GB एक्चुअल, यानी ये आपको दिख रहा होगा 1.57। ये इसकी ओरिजिनल इंटरनल स्टोरेज आप पता कर सकते हो जेंडर ऐप से। और इसकी एक और खासियत मैं आपको बताता हूँ, इस पे इन डिस्प्ले इन्होंने फिंगरप्रिंट दे रखा है। जिस तरह से ये मेरे 3 फिंगरप्रिंट ऐड है, मैं नया फिंगरप्रिंट ऐड करता हूँ, ये मैं सिर्फ टच करूँगा, ये वाली फिंगर है, मैं सिर्फ टच करूँगा और ये मेरा फिंगरप्रिंट ले रहा है। ये बिल्कुल मेरा फिंगरप्रिंट टच करते से ले रहा है, इतने फास्ट काम तो कोई सा भी एंड्रॉइड नहीं करता है, और जिस तरह से ये कर रहा है आपकी पहचान ये है बताती है इससे। अभी अपना फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है फोन नंबर पे, अपन लॉक करके चेक करते हैं फिंगरप्रिंट ऐड हुआ या फिर नहीं। ये फिंगरप्रिंट अपना ऐड हो गया, बराबर काम कर रहा है। मैं आपको, मैंने ये वाली थंब लगाई थी, अब इससे फिंगरप्रिंट अनलॉक करके बताता हूँ आपको। ये फिंगरप्रिंट अनलॉक हो रहा है, इस वाली से भी फिंगरप्रिंट से भी मैं अनलॉक करके बताता हूँ आपको, इससे भी अनलॉक हो रहा है। आप इसे आपके सारे फिंगरप्रिंट से आप अनलॉक कर सकते हो, ये इसकी पहचान है। बहुत सारे यानी हमारे कस्टमर है जो ले लेते हैं ये क्लोन, ये मार्केट में ऑनलाइन बिकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने से पहले 10 बार सोचें, उसके बाद परचेस करें। फ्रॉड बहुत हो रहा है, आप सतर्क रहें, थोड़ा सा अवेयर रहें, जिससे कि आप अपना पैसा वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और भी ये कैमरा आपने, मैंने जब आपको कैमरा भी दिखा दिया, क्वालिटी में इतना कुछ खास फीचर नहीं है, और ये बिल्कुल पुराना ओल्ड वर्जन है। जैसे कि ये दिख रहा है, ये पुराने माइक्रोमैक्स के फ़ोन में आया करते थे ये वर्ज़न, पुराने माइक्रोमैक्स के फ़ोन में आया करते थे ये वर्ज़न। और ये गैलरी की बात करें अपन, तो गैलरी में भी ये देखो आप शो हो रहा है पूरा। ऐसा आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है ओरिजिनल के मुकाबले में, कि ये ओरिजिनल है आप ले लो। ये जैसे कि इंटरनल स्टोरेज 128 GB, इसकी इंटरनल स्टोरेज पे कभी मत जाना। जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो पर आपको बताया था एप्पल के बारे में, एप्पल में भी यही हुआ था कि ओरिजिनल जेंडर ऐप से अपने को पता चली थी कि जेंडर ऐप में कैसे पता चलती है, क्या होता है यानी। उसमें आपने देखी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप बेफिक्र होकर देखिए। वहाँ पर क्लोन एप्पल से भी बचिए और एंड्रॉयड से भी बचिए, आप क्लोन बिल्कुल ना ले। ये दिखने में पूरा सेम है, देख सकते हो आप कैसा चमचमाता 5G बना दिया है इन्होंने, 5G है नहीं है ये, ध्यान रखे। ओप्पो का नाम खराब हो रहा है, ये क्लोन बना रहा है। क्लोन बनाने में भी यानी ये 7,000 रुपये का लगभग होगा, 7,000 रुपीज़ का होगा ये। और ऐसे ही मैं वीडियो आपके सामने लाते रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, और हमें एजे मोबाइल शॉप को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। थैंक यू गाइज़।